हमेशा जाने के लिए मोटिवेट करें, उन्हें पीछे नहीं हटाएं कि समाज है बेटा बाहर कैसे जाओगे। ये देश के गांवों में लाखों होनहार खिलाड़ी हैं। ये खिलाड़ी सीमित संसाधनों में अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सरकार से प्रशिक्षण और अन्य संसाधन तो मिल जाते हैं, लेकिन खिलाड़ी के लिए आवश्यक डाइट का इंतजाम करना बेहद मुश्किल होता है। खासकर कुश्ती खिलाड़ियों को डाइट के लिए समझौता करना पड़ता है। सर्बिया रूस में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली शिवानी पवार ने सरकार से आग्रह किया है कि खिलाड़ियों को डाइट के लिए आवश्यक भत्ता सीधे खिलाड़ियों के खाते में दिया जाए। गृहग्राम उमरेठ में आयोजित सम्मान समारोह में शिवानी पवार ने कहा, वे एक गरीब परिवार की सदस्य हैं। उन्होंने विषम परिस्थितियों से जूझते हुए अपने लक्ष्य को हासिल किया। जिन खिलाड़ियों के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उनके लिए सबसे बड़ी कठिनाई उचित पोषण आहार की होती है। सरकार प्रशिक्षण की सुविधा तो उपलब्ध करवा देती है, लेकिन खिलाड़ियों को अपनी डाइट के लिए परिवार पर आश्रित होना पड़ता है। सरकार को खिलाड़ियों की इस परेशानी पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि वे 3 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका में कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल होने वाली थी, लेकिन कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते ये आयोजन स्थगित हो गया था। उन्होंने कहा कि वे इस आयोजन में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने की पुरजोर तैयारी कर रही हैं। करीब 1 साल बाद अपने घर पहुंची शिवानी पवार का विधायकों सहित विविध सामाजिक संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने मोबाइल पर बातचीत करते हुए शिवानी पवार को आश्वासन दिया कि मध्य प्रदेश की सरकार गोद लेकर यथासंभव उसकी मदद करेगी।